डॉक्टर साहब कुछ ये दिल्ली की बात करेंगे, इंडिया के विजिट की बात कर लेंगे, और कुछ और कुछ डेवलपमेंट्स हैं हमारी इकोनॉमी की, कोई इस तरह की, उस पर एक दो सवाल। जी 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 ओके। जी प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब पर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब फिर हमें टाइम दे चुके हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जिनको पूरी दुनिया जानती है, एक बहुत कमाल के ऑथर, राइटर, कॉलमनिस्ट, और इसके अलावा पब्लिक स्पीकर। डॉक्टर साहब एक बार फिर आप दिल्ली से, दिल्ली से इस वक्त लाहौर से राबता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया जी, सबसे पहले जब मैं दिल्ली में आया ना 1999 में, तो जी मैंने कहा था कि दिल्ली एंड लाहौर आर ट्विन सिटीज। इनका दोनों का एक तो हिस्टोरिकल रिश्ता है, अब भी इनका जो ओल्ड टाउन है, वो इलाके हैं बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारा ओल्ड सिटी के इलाके हैं, और जो इनकी डेवलपमेंट इलाके हैं वो ही अंग्रेजों के बनाए हुए हमारी सिविल लाइंस हैं। इनकी भी यहाँ एक ल्यूटन इस किस्म का कोई एरिया है, तो दिल्ली और लाहौर का कई सदियों का रिश्ता तो है ही है, आज के भी अंग्रेजों के दौर में भी बड़ा क्लोज रिश्ता रहा है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, मैंने आपके दो तीन प्रोग्राम देखे, वहां पे आपको जिस तरीके से एक ग्रैंड रिसेप्शन आपको दिया गया हर जगह पर, मैं देख रही थी, एक तो मुझे देखने को मिला लल्लन टॉप पे, आप उस प्रोग्राम में गए उस चैनल पर, और जी आपको भी कमाल तरीके से उन्होंने वेलकम किया, और बहुत जबरदस्त आपका इंटरव्यू। फिर मैंने अरविंद सहारन जी जो है उनके साथ आपका प्रोग्राम देखा, मुझे पता चला आपने उन्हीं के साथ जो है प्रोग्राम जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त हुआ, बहुत इमोशनल, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था वो भी। तो डॉक्टर साहब मेरा इस वक्त आपसे सवाल ये होगा कि मैं देख रही थी आपके फेसबुक पर और भी कुछ पिक्चर्स आ रही थी कि आपने और भी कई लोगों से मुलाकातें की हैं, जिसमें बड़े कुछ अहम पर्सनैलिटीज भी हैं, और दिल्ली में क्या क्या आपके अब इस वक्त सर चल रहा है, जरा प्लीज हमें भी बताइए। जी, पहले तो पंजाब में मैंने 10 दिन गुजारे, फिर 5 तारीख को मैं वापस दिल्ली आ गया, और यहाँ पे कई बड़ी महफिलों में मुझे बुलाया गया। मसलन यहाँ पे है USI, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, यानी जो मिलिट्री की सर्विसेज हैं, उनके मेजर जनरल BK शर्मा जी ने मुझे बुलाया, और वहाँ पे सर्विंग ऑफिसर भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल ये वो, तीन उन्होंने पाकिस्तान एक्सपर्ट भी बुलाए हुए थे, तो बड़ा हाई लेवल, हाई पावर वो डिस्कशन थी, और बहुत खुल के बातें हुई जो मुझे आती थी। उनके जो इतराज़ थे वो भी मुझे बिल्कुल समझ आए कि भाई आपके साथ हम, आप कहते हैं दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब तक वो हमें काफिर कहते हैं और अपने निसाब के अंदर वो एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटिमेंट रखते हैं, तो आप ही मुझे हमें बताएं कि कैसे, किस हाथ, किस तरीके से ये दोस्ती होगी। मैंने कहा देखें, पाकिस्तान में भी हमारे दोस्त ये यूट्यूबर और सारे इस किस्म की पाकिस्तान की जो गलती है ना, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान गया बन, ये एक बड़ी स्टेट है 220 मिलियन लोगों की, आप अपने इलाके के अंदर यानी हिंदुस्तान के साथ, बाकी जो है उनके साथ नॉर्मल करें रिलेशंस, उनके साथ जो फायदा इस इलाके में हो सकता है ट्रेड के जरिए ये वो करें। तो मैंने कहा मेरी पोजीशन बिल्कुल यही है कि पहले पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म और जो भी टेररिज्म की बातें होती हैं वो खत्म हो, तब अगर दोस्ती हो तो उसके लिए आप भी लोग तैयार हो। तो ये बात उन्हें समझ आई। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक विवेकानंदा फाउंडेशन है इनकी, वो वहाँ पे रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड सीनियर जो हमारे होते हैं ना CSP, उधर यहाँ होते हैं IAS, पुलिस के बड़े लोग, सीनियर इस किस्म के गवर्नमेंट के, वो सारे आए हुए थे, वहाँ पे भी खुल के बातें हुई, और मैंने देखा हर जगह मेरी बात को संजीदगी से लिया गया। कुछ लोगों को था कि आपके आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये सिर्फ आपके हैं, पाकिस्तान की जो वो है इस्टेब्लिशमेंट वो कभी ये होने नहीं देगी पाकिस्तान और इंडिया की के नॉर्मल रिलेशंस। मैंने कहा कि
75 साल में तो यही लगता है कि जब जब कोशिश हुई, यानी वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया, नरेंद्र मोदी जी आए तो वो पठानकोट हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है कि पाकिस्तान में ये सारी पुरानी किस्म की सियासत क्या पाकिस्तान के गले पड़ गई है, उनको समझ आ गई है, और इन हालात में ज़रा एक सिंपथेटिक तरीके से देखें, अगर वहाँ से दोस्ती और नॉर्मलाइजेशन की कोई मूव होती है तो उसको आप सीरियसली लें। तो वहाँ पे ज़रा और एकेडमिक बात हुई, मिलिट्री अफसर जो उस तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से मुझसे बात करते रहे, लेकिन मेरी इज्जत यहाँ पे बहुत है, यानी पाकिस्तान जब मैं था तो मैंने कई महफलों में जाके तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से तो कोई दावत नहीं आई। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान की जो है ना वो सिविल सर्विस एकेडमी की तरफ से तो आई थी, और वहां मैंने जाके तकरीर भी की थी, बताया था आपको। तो जो मुझे बुला लेता है, मेरा एम बड़ा क्लियर है, मैं इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नॉर्मलाइजेशन में बिलीव करता हूँ कि दैट्स द ओनली राइट थिंग टू डू। ना जंग में कोई फैसला हो सकता है, ना कोई और ड्रास्टिक चीज़ इस इलाके में हो सकती है। तो अगर इन दोनों के अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो इट्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर ऑल। तो ये दो इस किस्म की मीटिंग्स हुई। आज मैं अभी होके आया हूँ यहाँ की प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जहाँ पे पुराने लेफ्टिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, वो वाले लोग, फॉर्मर कम्युनिस्ट पुराने, ये सारे बैठे हुए थे। वहाँ पे भी कोई 3 घंटे मेरी गुफ्तगू हुई, तो मुझे तो एक दिन में दो दो तीन तीन मीटिंगें करनी पड़ती हैं, और दो दो तीन तीन घंटे की मीटिंग होती हैं। लोग कहते हैं यार आप में इतनी एनर्जी कहाँ है, और मुझे खुद समझ नहीं आती कि मेरे में इतना क्या है कि मैं हर एक के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, और बड़ी ये नहीं कि बस एक ट्रिवियल किस्म की, पूरी इन डेप्थ, जैसे आपके साथ इतने प्रोग्राम होते हैं तो ये हो रहा है। आई हैव ग्रेट 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 वो क्या कहते हैं सोशल कैपिटल इन इंडिया, इतने लोग मेरे वो हैं चाहने वाले, मुझे मेरी बात को समझने वाले, कि पर्सनली तो आई फील एज मच एज होम हियर एज आई डू इन लाहौर, जैसे अब हम मिले थे। वहाँ के लोग और हमारे लोगों में कोई फर्क नहीं है, मैंने तो ये देख भी लिया हर चीज में। जरा ये पढ़े लिखे हमसे बेहतर हैं, इन्होंने अपनी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इतनी इंडस्ट्रियल वो डेवलपमेंट कर दी है कि आने वाली दुनिया में उनका दूसरा तीसरा नंबर श्योर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मसला ये है कि हम पीछे रह गए, तो क्या मेरी इन चीजों से कुछ पाकिस्तान का फायदा हो सकता है? तो आई एम विलिंग टू डू इट। पाकिस्तान के नुकसान के लिए मैं कभी पहले भी तैयार नहीं था, ना अब। तो इस तरीके से मेरी सोच है जी। डॉक्टर साहब, बल्कि मैं देख रही थी तस्वीरें आपकी, आपको बड़े अवार्ड्स भी वहां पे, जिस तकरीब में आप जा रहे हैं आपको अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है अनकरीब ये वाली खबर भी हमने सुनने को मिलेगी कि आपको कोई बहुत बड़ा वहां पे सिविल अवार्ड भी मिला है, जितनी मोहब्बत वहां के लोग आपसे करते हैं सीरियसली, और जितने पॉपुलर हैं आप। देखिए सिविल अवार्ड मिलते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन जो लोगों के दिल में मुझे जो अवार्ड मिल चुका है, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, वो तो सर हम जानते हैं। बात तो ये है जी, बाकी दुनिया के अवार्ड मिले ना मिले, तो इंसान को हमेशा हम्बल होना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि भाई अगर कोई आपकी इज्जत कर रहा है तो उसका उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी भी इन रिटर्न शुक्रगुजार हों और इज्जत करें। सो ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही। जो चीज मैंने बताई है वो ये है कि आप देखें हमारे यूट्यूबर वहां रह के कितनी खुल के बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो चलो एक प्रोफेसर हूं, दुनिया में मेरा नाम, मेरी किताबें हैं, ये लोग वहां रह के हाँ जी खुल के बात करते हैं और कोशिश करते हैं दोस्ती की। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के बहुत लोग हैं और महफिलें हैं जहाँ पे हमारी तरह ही सोचा जा रहा है। तो ये कहना कि सारे पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं और इस्लाम ने जो कहा है वो सब मानते हैं, मैंने कहा ये बच्चों वाली बात है। इस्लाम को हर बंदा अपने तरीके से मानता है,
हाँ, जो मॉडर्न लोग हैं वो मॉडर्न मुसलमान हैं, जो मौलवी टाइप हैं वो मौलवी हैं, और जो आम लोग हैं वो जिंदगी में उतने ही इस्लाम उनका है जितनी उनकी जरूरत है, बस इतना है। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि पाकिस्तान को कोई आप एक्सट्रीम में ना समझें, अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि कई हजार कई लाख इस किस्म के पागल भी हैं पाकिस्तान में, तो वो तो फिर है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप, मैं तस्वीरें देख रही थी, आपकी मुलाकात फॉर्मर रॉ चीफ से भी हुई है, जी फॉर्मर जी रॉ चीफ मिस्टर दलित हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात थी, और हमारे जो जनरल रिटायर्ड असद दुरानी है, जिन्होंने किताब मिलकर लिखी थी उनके साथ, जी 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 बड़े तो प्यार से मिले, बड़े प्यार से मिले। उनका भी खानदान लाहौर का ही है ना पीछे से, अच्छा, ओके ओके ये जो है जफर अली रोड पे उनकी कोठी हुआ करती थी पार्टीशन से पहले। तो ओके एक तो हमारी पंजाबी अपनी, और फिर मैंने दौलत साहब को पहले भी स्टॉकहोम में रहते हुए भी सुना था, बहुत रिजनेबल आदमी मुझे लगे थे। तो अब उन्होंने मेरी किताब लेके आए थे जिन्ना वाली साइन करवाने के लिए, तो खुल के बातें हुई। वो भी समझते थे अगर ये दोनों मुल्कों में ताल्लुक अच्छे हो जाएं तो ये दोनों का इसमें भला है। तो दौलत साहब जो है, और वो फोटो मैंने पब्लिकली लगाई है क्योंकि मैं किसी को छुप के नहीं मिल रहा, मैंने बताया मैंने यहाँ पे आरएसएस के साथ भी मुलाकात की है, और कोई मिलना चाहे जिस तरह के दौलत साहब मिलना चाहते थे तो मैं उनको भी मिला हूँ, और वो पिक्चर हमने लगाई है, बैठ के हमने खूब गप्पे शप्पे पंजाबी में जोक्स सारा कुछ किया है लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। और वो अब रिटायर्ड हैं बट वेरी लर्नड, किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं। मैं असद दुरानी साहब को भी मिल चुका हूँ एक ज़माने में, उन्होंने मुझे लंच पे इनवाइट किया था जब मैं पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट किताब लिख रहा था। तो ऐसे मेरी आई एम विलिंग टू मीट एनीवन। जी, बिल्कुल हम जानते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप बहुत गर्मजोशी से सबके साथ मिलते हैं, आपको तो कोई इस तरह की कोई हर्डल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जेहन में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, और मैंने तस्वीर देखी तभी मैंने आपसे सवाल किया कि मैंने तस्वीरें देखी हैं, बल्कि जब हमारे ये अभी सर एससीओ हुई थी, तो वहां यहाँ से जो जर्नलिस्ट गए थे एजाज सैयद साहब और उनके साथ कुछ और लोग थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी इनसे, मिस्टर दलित से उनकी भी हुई थी मुलाकात बस लाइब्रेरी फिर में किताब हाँ में बिल्कुल बिल्कुल, में। दौलत साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना, जी, बिल्कुल किताबें बहुत उनका इंटरेस्ट है किताबों के अंदर। तो एक उस लेवल पे भी मेरी गुफ्तगू उनसे हुई, और इंडिया पाकिस्तान पीस पे भी, ताल्लुकात पे भी हुई। सही। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये बताइएगा सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है अब आईएमएफ के प्लान में, आवाज आपकी गुम गई है, आवाज गुम गई है, दोबारा है अब सिचुएशन वो देख रहे हैं आप, क्या हालात है, तो बोले वहां आईएमएफ, पर रहने वाले इंडिया के आईएमएफ लोग वाला दोबारा इस बोले। हालत को, कि जो बार बार बात की जाती है डिफॉल्ट हो जाएगा, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर? वो यही कहते हैं कि आप अपने मुल्क का क्या हाल आपने कर दिया है, कि आईएमएफ भी आपको मुंह नहीं लगाती, सऊदी अरेबिया ने भी कोई आपको दिन दिया, अमेरिका पहले ही आपसे नाराज है। तो चाइना जिसके पास 300,000 बिलियन है रिजर्व में, वो क्यों नहीं आपको दे देता इन हालात में? और फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी अवाम का हाल हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है कि यार इन लोगों के साथ कोई यानी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और इसमें भी बात हुई कि पाकिस्तान ने 60s में अच्छी भली तरक्की की राह अख्तियार की हुई थी, और बल्कि इंडिया से ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ था, लेकिन 65 वॉर से मेरा जो है किताब के अंदर आर्गुमेंट पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उस दिन से पाकिस्तान की जो है ना अपनी जो होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ग्रोथ, वो कभी दोबारा वो नहीं हो सकी। और ये जंगों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है फॉर कश्मीर, और कश्मीर का एक इंच भी नहीं ले सके, तो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल मान लो यार, और दोनों तरफ आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करो तो पाकिस्तान भी जिंदाबाद और हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। फॉर मी आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आई नो कि स्टेट किन हालात में सरवाइव करती है और किन हालात में उसका सत्यानाश हो जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको इस तरीके से भी जब हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर ये जो तिजारत है ये शुरू हो जाए उनके साथ, और ये सिलसिला, हमारे कॉन्टेक्ट अच्छे हो जाएं, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, तो
तो ये जो हालात है हमारे, इनसे भी निकला जा सकता है। बेशक तो जी जी सर, मैं तो कहता हूं कि इन हालात से निकलने के सारे दरवाजे बंद हैं, एक और दरवाजा हमने खुद अपने पे बंद किया है। उनमें फर्क ये है, अमेरिका ने भी दरवाजा बंद कर दिया, सऊदियों ने भी बंद कर दिया, और चाइना तो आपको वो एड देगा नहीं जिसको आपको जरूरत है। तो एक दरवाजा हमने अपने आप पे बंद किया हुआ है, वो इंडिया वाला है, उसको खोलें। हो सकता है आपकी मदद वहां से हो जाए, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा कि हम चाहते हैं आपके साथ फ्रेंडली रिलेशंस, ट्रेड हम आपके साथ करना चाहते हैं। तो हो सकता है फिर आगे ये गाड़ी चले, लेकिन अपना दरवाजा आप खुद बंद कर दे। देखें, 1996 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था एज मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज ऑब्लिगेटरी, यानी उनकी ड्यूटी थी दोनों की। इंडिया ने दे दिया, हमने नहीं दिया कि पहले कश्मीर रिजॉल्व करो। तो ये कश्मीर कश्मीर करके इन्होंने पाकिस्तान के लोगों का सत्यानाश किया है, और कश्मीर के लोगों का कोई फायदा इसमें नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहता हूं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अब ये जो आपने जिस तरह अभी चाइना की बात की, तो ये नजर आ रहा है कि हम जो हैं वो चाइना के साथ हमारा बिल्कुल पक्का एक वो नजर आ रहा है ब्लॉक, और जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ बहुत नजदीकियां नजर आ रही है। तो इंडियन लोग, वहां के लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि इंडिया की अब अमेरिका से जो एक है उसको वो पसंद करें, या क्या कहना है उनका इस बारे में? सबसे बड़ी बात जो मेरी यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से हुई है कि वो कहते हैं कि वो जो हमारा पुराना तरीका था ना, इंडिया हाइफन पाकिस्तान, इंडो पाक रिलेशंस, वो कहते हैं हमने वो चैप्टर बंद कर दिया हुआ है, अब वी से इंडिया पैसिफिक। वो कहते हैं हमारा सारा जो ओरिएंटेशन है वो पाकिस्तान को छोड़ के सारे पैसिफिक रीजन में है, और अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन जो हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ की टेक्नोलॉजी उनको चाहिए, और अमेरिका को इंडिया इसलिए चाहिए कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, और इसी किस्म का सिस्टम अमेरिका भी अडॉप्ट करता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग आपको नोट करने वाली है कि इंडियन से वी आर नो लॉन्गर थिंकिंग इन इंडिया हाइफन पाकिस्तान, जो पहले होता था, दैट वी हैव एलिमिनेटेड। वी आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक। पैसिफिक चला जाता है पूरा वो इलाका, ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता है, चाइना, साउथ सी, ये इस इलाके में हम अपना रोल देख रहे हैं। पाकिस्तान जो है सो है, अगर वो नई दोस्ती करना चाहते तो उनकी दोस्ती हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वी आर डूइंग वेरी वेल एज वी आर। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आप अपना को नोट करनी चाहिए, कि जिस तरह हम वक्त इंडिया इंडिया का वो ये करते रहे हैं, गजबे हिंद और पता नहीं क्या क्या अपना बेकार सी बातें, इंडिया ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। बट मैं कह रहा हूं कि यार ये भी आपकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, कीप द डोर ओपन विद पाकिस्तान इफ पाकिस्तान चेंजेज इट्स वेज, और फिर हम सारे इस इलाके में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे मेरी गुफ्तगू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे सर, ये जरा एक वो तूफान की बहुत बातें हो रही है और दो ही कंट्रीज को वो टच कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान, बिपरजॉय जो है, तो वहां पे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं इसलिए इसका फायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे उसको लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी इवैक्यूएशंस हुई हैं, वहां पे भी हुई हैं। वो कहते हैं कि हमने, हमारी हुकूमत ने सारे मिनिस्टर यहाँ भेज दिए हैं, और हमारी पॉलिसी है कि जीरो कैजुअल्टी होनी चाहिए, कोई भी ना उसके अंदर मौत हो या कुछ हो। तो ये तूफान जो आ रहा है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी हमारी तरफ से तैयारी है, लेकिन तूफान अब तो पता है नेचर की तरफ से है, उसकी अपनी इंटेंसिटी कितनी होगी। लेकिन वो कहते हैं कि हम सारी हुकूमत उसी को वॉच कर रही है, और अब ये आप बता सकती हैं कि पाकिस्तान में भी इस किस्म की कोई तैयारी है, अगर उसका रुख हमारी तरफ हो गया या नहीं। सर यहाँ पे तैयारियां तो हैं काफी, कोई 20,000 के करीब इवैक्यूएशन हुई है, 50,000 कही जा रही है, लोगों को वहां से काफी निकाल भी लिया गया, निकाला जा रहा है, काफी इंतजाम हो गए हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे एक खातून एंकर पर्सन, बड़े एक वो प्राइम टाइम शो करती है, उन्होंने लिखा कि तूफान का जो डायरेक्शन है
वो किसी और तरफ हो गई है, कराची की तरफ से हट गई है, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार है। देखिए ये नॉनसेंस बातें, तो हाँ यहां से लोग अपनी नलायकी शो करते हैं ना। अब्दुल्ला शाह गाजी का मकान, वो जो है मजार, वो तो सदियों से है, और कितनी मुसीबतें चाइना अपना कराची पे नहीं आई। एक जमाने में MQM और सिंधियों की कॉन्फ्रेंटेशन में इतने लोग, हजारों लोग मारे गए, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये नॉनसेंस बातें हैं, और नॉनसेंस बातों का आप नोटिस ना लिया करें। काश ऐसे ही होता। हाँ जी, एक जमाने में लोग जी कहते सर, हैं इसीलिए तो आपको कि बताया, जी इसीलिए सर मैंने आपको ये दाता बताया है कि वो एक बड़ी स्टैब्लिश एंकर पर्सन है टीवी की, उन्होंने ये बात लिखी, तो मैंने मैंने फिर उसके ऊपर ये कहा कि फिर इस तरीके से तो जो सैलाब आया अभी कुछ दिन पहले, जो जलजले आए हैं, वो भी कुछ नहीं आना चाहिए था। वो असल में इनके पास कोई फंडामेंटल एजुकेशन नहीं है, कोई साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग नहीं है। ये लोग तनिन जो भी डिग्री डुग्री इनकी है, उनको मुबारक हो, आई एम नॉट चैलेंजिंग इट, लेकिन ये इस जब मुंह इनका खुलता है और ये बातें निकलती हैं, तो उनमें और बेचारे एक अनपढ़ जो उनको सिखाया ये गया, उनमें कोई फर्क नहीं होता। तो अब्दुल्ला गाजी की वजह से ये नहीं होगा, और अगर हो गया अगले साल तो फिर एक और आर्गुमेंट वो ढूंढ लेंगे कि अब्दुल्ला गाजी तो तैयार थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत गुनाह होता है तो अल्लाह ने सजा दे दिया। दे आर ऑलवेज जी एबल टू एक्सप्लेन अवे। हो गया तो अल्लाह की तरफ से हमें वो सजा मिल रही है, ना हुआ तो अब्दुल्ला गाजी की इंटरवेंशन से वो नहीं हुआ। यू कैन नेवर डील विद पीपल हु आर इन टू सच पेटी, यानी ये कोई लेवल नहीं है जिसके ऊपर मैं कॉमेंट करूँ। डॉक्टर साहब, ये वही है ना जो आप कहते हैं कि साइंस से दूरी, ये साइंस से दूरी का नतीजा है। ये उसका नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेरी काइंड थैंक्स ऑफ सर, स्टे यू। हैप्पी, और थैंक हम आपकी तस्वीरें और सब देखते रहेंगे आपके फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू। थैंक्स अ लॉट, यू जी, आलिया थैंक यू, जी, बहुत बहुत शुक्रिया।